अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन समारोह हमीरपुर के गांधी चौक पर भी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने बड़े चाप के साथ देखा। जिला प्रशासन के द्वारा सभी उपमंडल स्तर पर रोहतांग अटल टनल के उद्घाटन समारोह को लाइव दिखाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। गांधी चौक पर हमीरपुर में भी अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी के कार्यक्रम को हमीरपुर की जनता ने बड़े उत्साह के साथ देखा। साथ ही हमीरपुर के लोगों ने अटल रोहतांग टनल के बनने पर खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी को बधाई भी दी है। इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा, एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चंदीलाल चौहान के अलावा काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्थानीय निवासी प्रकाश चंद्र ने बताया कि मोदी जी ने टनल का उद्घाटन किया है, वह बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि अब लेह लद्दाख के लिए बहुत ही कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस पल का बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। मोदी जी ने जो टनल का उद्घाटन किया है, ये बड़ी हिमाचल के लिए हमारे लिए बड़ी बड़ी खुशी की बात है, जो कि हमारे जो है आर्मी के जो लोग जो है लेह के लिए जाते थे, अब उसका जो कम समय लगेगा ऊपर जाने के लिए, लेह जाने के लिए, और इसके लिए हमारी बहुत खुशी की बात है हमारे हिमाचल लोगों के लिए जो मोदी जी ने उद्घाटन किया। रिटायर्ड कर्मचारी भागीरथ शर्मा ने बताया कि पहले टनल न होने से लोगों के जीवन यापन में मुश्किलें आती थी, लेकिन अब टनल के बनने के बाद काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस बारे में ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ लोगों का आना जाना ऊपर रोहतांग से होता था, पर अब इसके जाने से जहाँ जितनी भी फसलें हैं, आलू है, दूसरा है, ये आ करके नीचे 12 महीने आना जाना था ठीक रहेगा इस टनल से। तो इस टनल के 10 साल बाद तैयार हुई है, जबकि अटल जी इसका उद्घाटन पहले कर चुके थे, तो आज इसको कार्य रूप दिया गया है और ये यहाँ आज के बाद इसका कार्यक्रम शुरू होगा। इस तरह से इसका कार्यक्रम सरकार ने आज व्यवस्था करवाई है आपको यहाँ देखने के लिए, क्या कहिए इस बारे में? नहीं, व्यवस्था लोगों का अपनी दिलचस्पी है व्यवस्था के लिए, लोगों के पास हर एक तरह की सुविधा है जिसे वो देखते हैं, परंतु इस सुविधा के लिए जो मीडिया में आया कि गांधी चौक में भी इसका दिखाया जा रहा है, तो हम लोग अपने घरों से उठ करके देखें, भाई प्रत्यक्ष देखते हैं इसको, प्रत्यक्ष देखना कुछ और है, बाकी दूसरी जगहों में या मीडिया का कुछ पढ़ना कुछ और है, तो देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं देख करके कि सामने नज़र आ रहा है सारा मीडिया, सारी जितनी भी ये कोरोना के बीमारी के समय का इनका अपना फैसले हैं या जो भी नियम है उनको पूरी तरह से निभा रहे हैं, लोगों को इससे देखने से इसका लाभ ही होगा। गांधी चौक पर लाइव प्रोग्राम देख रहे जुगनू सिंह ने बताया कि टनल बनने से अब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और बहुत बढ़िया काम हिमाचल के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि टनल उद्घाटन का लाइव समारोह हमीरपुर से देखने को मिल रहा है, जिस पर टनल उद्घाटन पर मोदी और प्रदेश सरकार को वह बहुत बधाई देते हैं। मैं सबसे पहले मीडिया वाले को धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों की जो बैठने के लिए और हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले दूसरी बात है कि जो सरकार ने काम किया है अटल का, बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि मैं 20 साल मनाली और इसमें रहा, क्या नाम, स्पीति में, लाहौल में, तो आने जाने की बड़ी समस्या थी, होती खतरों पर जाते थे, पैदल जाते थे, वहाँ के लोग आते थे, आज सब एक मतलब एक परिवार इकट्ठा हो रहे हुआ, इतना अच्छा हुआ और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है हिमाचल के लिए, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ जो कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं। ये जो प्रशासन ने व्यवस्था की है बड़ी स्क्रीन का, इसका और क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो हम इसी करके आज यहाँ बैठे हैं कि अरे हम अपना जो लाख का था रोहतांग छोड़ा हुआ हमने टॉप और स्पीति, तो हम यहाँ से देखेंगे और अपने प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पहले अटल जी का बहुत सहयोग है और ये मोदी जी का और हमारी मात्र सरकार जो रश्मि किया हुआ, खास करके प्रधानमंत्री के जो इंतजाम किया, यहाँ पब्लिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एसडीएम डॉक्टर चंदीलाल चौहान ने कहा कि अटल टनल का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि इस पल को यादगार बनाने के लिए हमीरपुर जिला के उपमंडल स्तर पर लाइव कार्यक्रम दिखाने के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे लोग लाइव कार्यक्रम देख पा रहे हैं। जैसे अब हम सब लोगों को विदित है कि आज हमारे हिमाचल के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज अटल टनल का उद्घाटन किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारी प्रदेश सरकार की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि हर जिला में
हर जिला के जिला मुख्यालय में, सब डिवीजन में और हर पंचायत लेवल पर लोगों को ये सुविधा हो कि ये इस ऐतिहासिक दिवस को देख सकें। और यहाँ हर पंचायत, हर सब डिवीजन और जिला स्तर पर हमने डिस्प्ले लगाए हुए हैं।